आप देख रहे हैं KDS न्यूज, बेहतरीन खबर के लिए लाइक करें। विधायक मंजू त्यागी ने अंत्योदय कार्ड धारकों को वितरित किए आयुष्मान गोल्डन कार्ड। लखीमपुर खीरी स्थित ANM ट्रेनिंग सेंटर में अंत्योदय कार्ड धारकों को आयुष्मान गोल्डन कार्ड श्रीनगर विधायक मंजू त्यागी व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के प्रतिनिधि संजय सिंह एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा वितरित किए गए। वितरण के दौरान श्रीनगर विधायक मंजू त्यागी द्वारा अपने संबोधन में आयुष्मान योजना के बारे में बताया गया। प्रत्येक लाभार्थी परिवार को एक वर्ष में 5 लाख रुपए का निःशुल्क उपचार दिया जाएगा। हमारी सरकार ने इस योजना के माध्यम से गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य देने का बीड़ा उठाया। पिछली सरकारों में चिकित्सा बीमा के नाम पर महज 30,000 रुपये में ही मिलते थे, जबकि भाजपा सरकार ने इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार आज स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण अंचलों तक पहुँचाने के लिए भारी भरकम बजट खर्च कर रही है, ताकि हर गरीब को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के प्रतिनिधि संजय सिंह द्वारा उनके संबोधन में आयुष्मान योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए जिले में सूचीबद्ध 17 राजकीय और 9 निजी अस्पतालों के बारे में बताया गया। कहा गया कि यहां पर गोल्डन कार्ड के माध्यम से पूरी तरह निःशुल्क इलाज की सुविधा सरकार दे रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र भटनागर द्वारा आयुष्मान योजना की जानकारी देते हुए लाभार्थियों को योजना का लाभ सूचीबद्ध चिकित्सालयों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो बीमारियां इस योजना में शामिल हैं उनके लिए 1 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए के खर्च को सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस दौरान BGM आयुष्मान भारत अनुज प्रताप सिंह द्वारा बताया गया कि लाभार्थी अपने निकटतम जन सेवा केंद्र पर जाकर या फिर सूचीबद्ध चिकित्सालय में जाकर आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवा सकते हैं। बैठक में उपस्थित अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर VC पंत, डॉक्टर अश्विनी कुमार, डॉक्टर RP दीक्षित सहित प्रधान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर अमित वाजपेयी, DPC डॉक्टर अक्षत अग्रवाल, DGM अनुज प्रताप सिंह, DISM आशुतोष श्रीवास्तव उपस्थित रहे। ऐसी बेहतरीन खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको सुनाते हैं कि इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र भटनागर ने अपने संबोधन में क्या कहा। एक प्रयास किया जा रहा है कि आपको एक छतरी उपलब्ध करा दी जाए, उस छतरी का नाम है आयुष्मान कार्ड। उसके द्वारा आपको 1300 बीमारियां, 1300 से अधिक बीमारियां मालिक न करे अगर हुए तो आपको 5 लाख तक की इलाज, जांच और इलाज के लिए रुपया नहीं खर्च करना पड़ेगा। ये पूरे परिवार के लिए पूरे साल की धनराशि है। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अपने लखीमपुर में 17 सरकारी अस्पतालों में और 9 प्राइवेट अस्पतालों में ये सुविधा उपलब्ध है। हमें जब कोई चीज यूज करनी होती है तो हमें सीखना पड़ता है। जैसे बैंक में से पैसे निकालने वाला ATM कार्ड भी हम लोग जब पहली बार यूज किए तो सीखा कैसे होता है, क्या होता है। इसी तरीके से ये जो आपको बड़ा वाला प्रतीकात्मक रूप में दिया गया है, जब ये असली वाला मिल जाएगा तो मेरा आप सभी से अनुरोध है और MOIC प्रधान डॉक्टर अमित वाजपेयी बहुत डायनेमिक ऑफिसर हैं ये, और हमारी आयुष्मान की टीम आपको वहाँ पर बुलाकर एक बार जब असली वाला कार्ड आ जाएगा, असली वाला कार्ड आने में 5-6 दिन लगते हैं, तो आपको वहां पर बुलाकर एक बार फिर से एक कैंप के माध्यम से आप लोगों को जितने भी आपके लाभार्थी हैं आपके यहाँ के उनको ये प्रशिक्षण भी दे दिया जाएगा कि देखो ऐसा ना हो कि आप 15-20 हज़ार रुपये खर्च कर गए और आपके पास कार्ड जेब में रखा हुआ, फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ सारी एक्सरसाइज का। तो ये हम लोग धीरे धीरे करके स्वास्थ्य को कैसे और सुदृढ़ किया जाए, कैसे सुधारा जाए, कैसे आपके पास जो है धन की वजह से आपका हाथ न रखे, आपके बच्चे स्वस्थ हों, आप स्वयं स्वस्थ हों, घर में आपके खुशहाली आए, इसी परिकल्पना के साथ ये कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है। ये सिर्फ शुरुआत है,
मैडम आपके शुभकामनाओं से, सर आपके शुभकामनाओं से आज हम लोग ने जो इन लोगों को प्रतीकात्मक कार्ड वितरित किए हैं, ये हम एक अभियान के रूप में ले जाना चाहते हैं जनपद के अंदर, और जितने भी करीब 1.25 लाख हमारे कार्ड धारक हैं उन सबों को ये कार्ड उपलब्ध करा देंगे। तो आगे आने वाले दिनों में इस जिले